ग्रेट जॉब यार, क्योंकि गाना भी उस तरीके से भी जस्टिस करना, वोकल्स भी गाने को, और फिर गाने में फीचर करके उस तरीके से भी जस्टिस करना, क्योंकि अपना गाना है। अभी अगर मैं गाऊंगा एक गाना तो मुझे पता है कि मेरे को जितने तरीके जितने अच्छे से मैंने उस गाने में गाया है, वोकल्स दिए, जान दिए अपने, उतने अच्छे से मुझे फीचर भी करना है, क्योंकि इट हैज़ टू डू जस्टिस। सो फॉर हर इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। When you see on the camera, you would not believe कि क्या चीज़ से क्या create कर दिया और कैमरा पर क्या पोर्ट्रे हो गया। इतना सुंदर लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। केप टाउन की बात करें तो खतरा खिलाड़ी ने कितना खतरा झेला है और कितना खतरा दूसरों को दिया। केप टाउन की बात, केप टाउन जाने इंडिया में, इंडिया की बात करते हैं। आप बहुत कम ही मिलते हो, इसलिए यही एक मौका मिला है आपसे पूछने। मैं आपसे मिल बार बार मिलूंगा, कल मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, रोज़ मिलना चाहिए यार। अगर मैं आपसे मिलूंगा तो प्रतीक, दो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए, हॉट एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? मतलब क्या कहना है? मतलब ये मैम भी तो हॉट है, मतलब क्या बात है। ये मेरी बहन है, सगी बहन। She manages entire and hats off to her. She does not manage. She is the CEO. I the CEO. ये पूरी मेरी जिंदगी की CEO है। कंपनी वंपनी तो छोड़ो, जिंदगी की ही CEO है ये मेरी। मतलब अगर मैं सांस भी ले रहा हूँ तो इस गिनती है कि कितने सांस के टाइम में भी आपको बहुत सपोर्ट किया था। बिग बॉस भाई, मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं सांस भी लेता हूँ तो गिनती है कि एक दिन में कितने सांस लिए। अभी इतने सांस हो गए, अभी अगला सांस सोच के लेना है। ये वो नहीं, मगर बहुत अच्छे से यू हैंडल, बहुत सपोर्ट करते हैं। एक हुक स्टेप है जो हम गाने का देख सकते हैं, आजकल गाना रिलीज हो रहा है, बिस्वा, आप बिस्वा विल डू द हुक स्टेप, बिस्वा करके दिखाएंगे। थोड़ी क्या अमेजिंग डांसर, पीछे 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 भाई भाई पीछे, अरे मैं खतरों से खेल के और हैंडसम हो गए। एक बात बताता हूँ, ये बहुत यंग है, इसकी इनकी एज इतनी कम है और इतनी कम एज में इतना टैलेंट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। और एक्सपीरियंस भी बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान जितना एक्सपीरियंस करता है उससे ही एक इंसान बेहतर होता है दिन ब दिन। एंड द एज दैट शी इज एट, शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब सीरियसली, एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब। आई थिंक सेम गोस फॉर यू। यार मैं कहां, मेरी कौन सी छोटी उम्र, मेरी उम्र तो हो गई यार, बट कोई नहीं, दिस इज स्टार्टअप। सो वी आर जस्ट प्लेइंग द सॉन्ग, यू नो, द टीजर फील ऑफ इट, द टीजर, आई मीन, वो तो मेन में भी। वाओ, क्या देखो, हमारे गाने ने सबको अट्रैक्ट करके अंदर बुलाया। मेरे को डांस इस गाने का कोई आवाज़ नहीं पता। ओह क्या बात है भाई, ओह क्या बात है, स्पॉटिंग में इतना सब कुछ हो रहा है तो गाने में क्या आ रहा है, सोचो गाना ही जमीन है। भाई कुछ आप भी करो, लोग आवाज़ नहीं कर रहे हो, सिस्टर एसिलेटर रहे हो आप। यार इस गाने से मैं जमता हूँ क्या, मतलब गर्ल से गर्लफ्रेंड वाला टैग लेकर मैं कैसे स्टेप करूँगा? अकेले करेंगे, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मेरे को घर में बंद कर दो। गलत दबा दो, अरे ये बताओ
चलो डन ये नहीं दिखाना है ये सर आप थोड़े झुक जाओ अच्छा अब पैर दिखा सकते हो पैर दिखाना आप होल्ड ऑन वन मोर वन मेरी भी टेक्निक है भाई जैसे नीचे जाओगे प्रतीक भाई प्रतीक भाई सुनो वो बहुत फोन ना कर डन डन थैंक यू मतलब आप बड़े लग रहे हो मैं बड़ा लग रहा हूँ मेरे बोझ बहुत है यार टेंशन से बड़ा लग रहा हूँ मैं मेरे को टेंशन से मैं बड़ा हो गया हूँ कोई टेंशन नहीं है भाई मैं बहुत खुश हूँ वैसे भी आप बहुत खुश हो प्रतीक भाई आपका रील बहुत फेमस हो गया था मुश्किलें बहुत हैं सोचा नहीं रखने से पहले ये कदम इधर चलो स्टार्ट मनोज इधर लगाओ इसको पकड़ यार वही इसको भाई दो फुटे इसकी ढक्कन पकड़ेंगे दो चैनल एक खास करके प्रतीक भाई के लिए ये एंगल अल्टीमेट होता है ये मेरे टैलेंट इधर सर भाई पीछे लगाओ इधर ठीक है अरे इधर सही मुझे टेकिंग पिक्चर हो मुझे फोटो ले मैं बात कर रहा हूँ इनके बारे में इनकी बारे में अरे इधर ही जब पहले दिन ये गाना सिलेक्ट हुआ था एंड सिद्धार्थ सर वाज टॉकिंग अबाउट हिम ओनली
सो आई वॉन्टेड हिम इन माई वीडियो कि और कोई नहीं प्रतीक चाहिए. सो आई वॉज विशिंग कि प्रतीक ही आ जाए मेरे वीडियो में एंड कोई हो गया. सो थैंक्स टू सिद्धार्थ सर एंड थैंक्स टू प्रतीक इतना डाउन टू अर्थ है एंड इतना मुझे कम्फर्टेबल फील कराने के लिए सेट पे. तो मुझे एकदम मतलब अनकम्फर्टेबल फील नहीं लगा. थोड़ा सा रोमांस है गाने में, रोमांस है, हम लोग थोड़ा सा क्लोज आए तो उसमें भी आई वॉज फीलिंग अ बिट शाय बट ही मेड मी वेरी कम्फर्टेबल. ऐसी क्या क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी कि जो आपको इतना मतलब काम करने लगा? भाई साहब ऐसी कोई क्वालिटी आप बताओ, आप भी तो कंफर्टेबल हो मेरे साथ. नहीं नहीं मैडम से मेरा तो मेरे को नो शी इज लाइक लाइक आई वांटेड प्रतीक टू मैं भी जानना चाहता हूं. यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर वेरी क्या बोलते हैं उसको, यू मेड मी वेरी कंफर्टेबल. यू आर वेरी ही गिव्स अ वेरी गुड वाइब. या ही इज वेरी सपोर्टिव. दैट्स व्हाई मुझे एकदम से आई वाज मुझे याद है सेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी क्योंकि यार होता है परफॉर्मेंस में थोड़ा होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्ट भी करना है, फीचर भी करना है और गाना गाने की आवाज़ भी अपनी है. तो एक वो होता है कि यार मेरे को एक्सपेक्टेशन है मुझसे और मेरे को वो यू नो उन एक्सपेक्टेशन तक पहुँचा. इमेजिन तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थोड़ी थोड़ी हो रही थी. तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम जैसे मर्जी करो जो मर्जी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टेंशन मत लो, जस्ट बी काम, जस्ट बी कम्फर्टेबल एंड जस्ट बी रिलैक्स. जैसे तुम्हारा दिल करता तुम वो करो एंड डोंट वरी. तो या शी गॉट वेरी कम्फर्टेबल एंड शी वाज वेरी एज वी कैन सी इन द पोस्टर दैट आप लोगों को कैसा लग रहा है केमिस्ट्री और रिजल्ट में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अमेजिंग. दैट्स व्हाई वी आर हियर. ऑल्दो पोस्टर में जिस तरीके से बैट एंड ऑल वो थोड़ा बहुत तो हिंट बनता ही है बिकॉज ऑल एवरीवन वांट्स टू नो दैट लाइक देयर आर मेनी फैंस. क्या हिंट देगा? बैट में बैठे व्हाट इज दैट म्यूजिक? यहां बैट है नहीं वो तो दिख ही रहा है लेकिन आपको बताना है क्या म्यूजिक. राइट म्यूजिक है क्या? सस्पेंस रहे ना थोड़ा सा. म्यूजिक इज ऑल अबाउट शी इज ट्राइंग टू वू, मतलब वो प्रतीक को, प्रतीक उसका बॉयफ्रेंड है, वो एक्सपेक्ट कर रही, जैसे आज के डेट में होता है कि बॉयफ्रेंड्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफी लाइक आई एम अ गोल्ड डिगर. एक्चुअली आई एम अ गोल्ड डिगर सो आई एम नो शी नॉट गोल्ड डिगर. आई वांट डॉल्चे कबाना बैग फिर देन आई विल मेक हिम माय बॉयफ्रेंड. लेकिन प्रतीक की अच्छाई उसको बदल देती है. ओके लास्ट में आई गॉट चेंज्ड. सो प्रतीक से जब फर्स्ट टाइम हमने काम किया दुआ करो में, द होल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. एंड मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ही इज हियर, ही ऑल्सो मुझे वो टेंशन कर लिया था. तभी मैंने प्रतीक को बोला था कि हम लोग बहुत सारे काम करेंगे एंड डॉल्चे गबाना में उसका लुक ही चेंज कर दिया, थोड़ा उसको और स्टाइलाइज कर दिया जो है वो जैसा वो दिखता है. एंड आई थिंक एम इज एसके म्यूजिक वर्क्स वी कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट एक्टर, और जिससे ट्यूनिंग जम जाती है, एक वेवलेंथ मैच हो जाता है, देन व्हाई नॉट वी वर्क मोर ऑफन, इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स मच ईजी. लाइक आपने जिस तरीके से कहा कि प्रतीक के साथ मुझे म्यूज़िक करना ही था, तो प्रतीक के बहुत सारे काम आपने देखे ही होंगे, तो खतरों भी आपने देखा ही होगा राइट? खतरों के खिलाड़ी जो ये सीजन में गलती थे, सही तरीके से सवाल पूछा. क्या लगता है कितना धमाल किया है, लाइक कितने लोगों का टफ दिया है कॉम्पिटिशन, लाइक शिवांगी थी, रुबीना थी, जन्नत थी, क्या लगता है प्रतीक जीत के आएंगे? ऐसा लग रहा है कि विनर है? बहुत एक अच्छे किसी से पूछ रहे हो जो कभी भी टीवी नहीं देखते हैं. आई एम वेरी फोकस अबाउट माई म्यूजिक एंड सिर्फ मैं गाना ही गाती हूँ, गाना प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ. बट मैं इनको जानती थी पहले, मैंने एक शो में इनको देखा है एंड उसके बाद से इनका जो पॉपुलरिटी है एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. यार मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि प्रतीक फैम है जो नेक्स्ट लेवल, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल. दे उन्होंने क्या सोच के वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं अक्सर बैठ के कि क्या सोच के इतना मुझे प्यार देते हैं. बट आई थिंक दे आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं. और जैसे अभी आप लोगों ने शायद कि कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम,
कभी सोचा नहीं मैंने जिंदगी में रखने से पहले ये कदम, अब प्रतीक फैम सिर्फ तुम्हारा हो गया ये कदम, ये खड़े खड़े सोच ली मैंने अभी एंड आई थिंक क्या बात। बट प्रतीक के साथ काम करने के बाद मुझे इसकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। भाई मांगना मांगते सब है, आई थिंक शुक्रिया करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मांगते रहोगे तो फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि शुक्रिया करो बहुत मिलेगा, शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कहने के लिए जितना बोलूँगा उतना कम है, आई थिंक सिर्फ इतना बोलूँगा कि गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मेरे को अभी भी मतलब मेरी बॉडी पूरी शिवर हो रही है सोचते हुए उनके बारे में, क्योंकि दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल, बिकॉज मैंने जितना जो सपने में सोचा था कभी अभी वो मेरे पास है, तो अभी मैं अपने हाथ दिखाऊँ ये देखो, बिकॉज इट्स लाइक यू नो सर क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, बस थैंक यू टू द एंटायर प्रतीक फैम फॉर एवरीथिंग। लास्टली तो बता दीजिए, खतरा में इतने सारे दोस्त बने हैं, आखिर इतने टफ टफ कॉम्पिटिशन हुए हैं, कभी क्रोकोडाइल को उठा के नहीं फेंका नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो डाला तो भाई अभी हम सारे आप मिलने आए थे हमको जेल में सारे, तो राजीव निशान भी है, सभी सभी शिवांगी अनेरी आई थिंक सभी जो लोग थे रुबीना सब लोग से बहुत अच्छी दोस्ती हुई है एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद द फ्रेंड्स, बहुत अच्छी दोस्ती सबसे हुई है। एक्सपीरियंस वॉज जब पहले सिलेक्ट हुआ था ये गाना, जब पहले दिन ये गाना सिलेक्ट हुआ था एंड सिद्धा सर वॉज टॉकिंग अबाउट हिम ओनली, सो आई वॉन्टेड हिम इन माई वीडियो, कि और कोई नहीं प्रतीक चाहिए, सो आई वॉज विशिंग कि प्रतीक ही आ जाए मेरे वीडियो में एंड वही हो गया। सो थैंक्स टू सिद्धा सर, थैंक्स टू प्रतीक, इतना डाउन टू अर्थ है एंड इतना मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए सेट पे, तो मुझे एकदम मतलब अनकम्फर्टेबल फील नहीं लगा, थोड़ा सा रोमांस है गाने में, रोमांस है, हम लोग थोड़ा सा क्लोज आए तो उसमें भी आई वॉज फीलिंग अ बिट शाय, बट ही मेड मी वेरी कम्फर्टेबल। ऐसी क्या क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई प्रतीक की जो आपको इतना मतलब काम करने लगा? क्वालिटी ऐसी कोई क्वालिटी आप बताओ, आप भी तो कंफर्टेबल हो मेरे साथ। मैडम से मेरा मेरे को शी इज लाइक मैं भी जानना चाहता हूँ एक्चुअली। यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर वेरी क्या बोलते हैं उसको, यू मेड मी वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड वाइफ, या ही इज़ वेरी सपोर्टिव, दैट्स वाई मुझे एकदम से आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि इतना डांस स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, क्योंकि यार होता है परफॉर्मेंस में थोड़ा होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्ट भी करना है, फीचर भी करना है और गाना गाने की आवाज़ भी अपनी है, तो एक वो होता है कि यार मेरे को एक्सपेक्टेशंस है मुझसे और मेरे को वो यू नो उन एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचना, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो लाइक दिस काइंड ऑफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर कोई बात नहीं यार, तुम जैसे मर्जी करो जो मर्जी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टेंशन मत लो, जस्ट बी काम, जस्ट बी कम्फर्टेबल एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड, जैसे तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो एंड डोंट वरी, तो या शी गॉट वेरी कम्फर्टेबल एंड शी वॉज वेरी। आप लोगों को कैसा लग रहा है केमिस्ट्री टीजर में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? थैंक यू। ऑल्दो पोस्टर में जिस तरीके से बात ऑफ एंड ऑल थोड़ा बहुत तो हिंट बनता ही है, बिकॉज ऑल एवरीवन वांट्स टू नो दैट राइट, देयर आर मेनी थिंग्स। क्या हिंट दे बताओ, बाटा में बैठे यहां बाटा है नहीं तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको बताना है क्या म्यूजिक है क्या, सस्पेंस रहे ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अबाउट शी इज ट्राइंग टू वू, मतलब वो प्रतीक को, प्रतीक उसका बॉयफ्रेंड है, वो एक्सपेक्ट कर रही, जैसे आज के डेट में होता है कि बॉयफ्रेंड्स से एक्सपेक्ट किया जाता है, इट्स लाइक आई एम अ गोल्ड डिगर, एक्चुअली आई एम अ गोल्ड डिगर, सो आई वांट डॉल्चे गबाना बैक, फिर देन आई विल मेक हिम माय बॉयफ्रेंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छाई उसको बदल देती है। ओके लास्ट में आई गॉट चेंज्ड, या कि इतना प्यार गाने बहुत अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, 41-50 मिलियन गया है पहले वाला सॉन्ग,
41 दुआ करो. सो प्रतीक से जब फर्स्ट टाइम हमने काम किया दुआ करो में, द होल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. एंड मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ही इज़ हियर, ही ऑल्सो नोज दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. एंड ये जितना डेडिकेशन और हार्डवर्क लेके आता है अपने साथ, तो दैट इज़ समथिंग विच एनी प्रोड्यूसर और एनी कंपनी वुड वॉन्ट दैट फ्रॉम एन आर्टिस्ट, बी इट अ सिंगर और अ एक्टर. तो मुझे वो टेंशन ही नहीं होता. तो तभी हमने डिसाइड कर लिया था, तभी मैंने प्रतीक को बोला था कि हम लोग बहुत सारे काम करेंगे. एंड डॉल्चे गबाना में उसका लुक ही चेंज कर दिया, थोड़ा उसको और स्टाइलाइज कर दिया जो है वो जैसा वो दिखता है. एंड आई थिंक एम इज़ एस के म्यूजिक वर्क्स, वी कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट एक्टर, और जिससे ट्यूनिंग जम जाती है, एक वेवलेंथ मैच हो जाता है, देन व्हाई नॉट वी वर्क मोर ऑफन, इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स मच ईजी. लाइक आपने जिस तरीके से कहा कि प्रतीक के साथ मुझे म्यूजिक करना ही था, तो प्रतीक के बहुत सारे काम आपने देखे ही होंगे, तो खतरों भी आपने देखा ही होगा राइट, खतरों के खिलाड़ी जो ये सीजन में प्रतीक सही तरीके से सवाल पूछा. तो क्या लगता है कितना धमाल किया है, लाइक कितने लोगों को टफ दिया है कॉम्पिटिशन, लाइक शिवांगी थी, रुबीना थी, आप बहुत एक अच्छे किसी से पूछ रहे हो जो कभी भी टीवी नहीं देखता है. आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट माय म्यूजिक एंड सिर्फ मैं गाना ही गाती हूँ, गाना प्रैक्टिस करती हूँ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ एक्चुअली. बट मैं इनको जानती थी पहले, मैंने एक शो में इनको देखा है, एंड उसके बाद से इनका जो पॉपुलैरिटी है एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. यार मैंने तो हमेशा बोलता हूँ कि प्रतीक फैम है जो द नेक्स्ट लेवल, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल. दे उन्होंने क्या सोच के वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं अक्सर बैठ के कि क्या सोच के इतना वो मुझे प्यार देते हैं. बट आई थिंक दे आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं. और जैसे अभी आप लोगों ने शायरी पूछी, तो मैं एक शायरी मैंने सोच ली अभी कि कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम, कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम, अब प्रतीक फैम सिर्फ तुम्हारा हो गया ये बदन. वाओ, ये खड़े खड़े सोच ली मैंने अभी. एंड आई थिंक इतना प्यार मिला है, काम करने के बाद मुझे इसकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है. भाई से क्या मांगना? भाई मांगना मांगते सब है, आई थिंक शुक्रिया करना भी बहुत ज़रूरी है. तो मांगते रहोगे तो फिर कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि शुक्रिया करो, बहुत मिलेगा, शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है. कुछ कहने के लिए अभी जितना बोलूँगा उतना कम है. आई थिंक सिर्फ इतना बोलूँगा कि गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड मेरे को अभी भी मतलब मेरी बॉडी पूरी शिवर हो रही है सोचते हुए उनके बारे में, क्योंकि दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल यार. बिकॉज मैंने जितना जो सपने में सोचा था कभी, अभी वो मेरे पास है. तो अभी मैं अपने हाथ दिखाऊंगी, देखो, बिकॉज इट्स लाइक यू नो इस क्या बोलूँ. थैंक यू सो मच, बस थैंक यू टू द एंटायर प्रतीक फैम फॉर एवरीथिंग. लास्टली तो बता दीजिए, खतरा में इतने सारे दोस्त बने हैं, आखिर इतने टफ टफ कॉम्पिटिशन हुए हैं, कभी क्रोकोडाइल को उठा के फेंका गया कुछ तो है? क्रोकोडाइल को उठा के नहीं फेंका किसने, फेंका वो डाला था. फेंकेंगे तो भाई अभी हम सारे अब मिलने आए थे हमको जेल में सारे सबको, अगर फेंकते तो ऑस्ट्रिच को भी फेंक नहीं सकते भाई, ऑस्ट्रिच हमको उठा के फेंक देगा. सो या मज़ा आया एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे वहाँ पे, फैजू, राजीव, निशान भी है, सभी शिवांगी, अनेरी, आई थिंक सभी जो लोग थे, रुबीना, सब लोग से बहुत अच्छी दोस्ती हुई है. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद द फ्रेंड्स, बहुत अच्छी दोस्ती सबसे हुई है, बहुत मज़ा आया दोस्ती.